दक्षिण भारत में हिंदी विषयक द्वितीय भाग के इस कार्यक्रम में दक्षिण भारत में हिंदी शिक्षण की प्रस्थिति, हिंदी सेवियों, अनुवादकों, लेखकों एवं पत्रकारिता की जानकारी देने के साथ साथ अन्य पक्षों को समेटने का प्रयत्न किया गया है। उल्लेखनीय है कि विषय विस्तृत होने के कारण दक्षिण भारत में हिंदी संबंधी यहाँ दी गई जानकारी निदर्शनात्मक मात्र है। दक्षिण भारत में हिंदी विषयक कार्यक्रम के इस भाग में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम के प्रथम भाग में दक्षिण भारत में हिंदी की पूर्व पीठिका के साथ साथ हिंदी प्रचार के प्रयासों, संवैधानिक प्रावधानों, प्रचार प्रसार में बाधक स्थितियों को रेखांकित करने का प्रयास किया गया था। दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार के इतिहास का आकलन करते समय उसे दो चरणों में बांटकर देखना उचित होगा। एक तो स्वतंत्रता संग्राम के युग का दौर और दूसरा आज़ादी के बाद के समय की हिंदी के प्रचार का इतिहास। पूरे देश में एक तरह से हिंदी के प्रति इतना प्रेम, इतना आवेश था कि हर जगह पर हिंदी विद्यालय के बोर्ड दिखाई देते थे और वहाँ पर जो हिंदी का क्लास लेते थे, हिंदी की कक्षाओं में पढ़ाते थे, उनको भोजन करने की फुर्सत नहीं होती थी। इस तरह का एक समय भी वहाँ पर हमने दक्षिण भारत में तमिलनाडु में भी देखा था। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा में सेवा करते हुए मैंने देखा कि वहाँ पर आंजनेय शर्मा, बालचंद्र आप्टे, वेंकटाचल शर्मा, कटिल गणपति शर्मा, हरिहर शर्मा, ये सब लोग कितने उत्साह के साथ काम करते थे। हिंदी में जितना कार्य दक्षिण के लोगों ने किया है, उन सब का आकलन, उन सब का मूल्यांकन होकर के उसे हिंदी साहित्य का एक अंग बनाना आवश्यक है। इससे लोगों में उत्साह बढ़ेगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ चर्चा कक्ष की ओर, जहाँ इस विषय पर चर्चा अब आरंभ होने ही वाली है। चर्चा के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस सत्र में चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मैं सबसे पहले डॉक्टर राजलक्ष्मी को आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर राजलक्ष्मी। धन्यवाद डॉक्टर रेड्डी। जैसा कि आप सब जान ही गए हैं, हिंदी के राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े सभी नेताओं ने उत्साहपूर्वक हिंदी के माध्यम से राष्ट्र के भावनात्मक एकीकरण में सहयोग दिया। इस आंदोलन से जुड़े नेताओं के साथ साथ हिंदी सेवियों और हिंदी प्रचारकों को इसके लिए कई बार जेल जाना पड़ा। साथियों, दक्षिण में हिंदी सेवियों की एक लंबी परंपरा विद्यमान रही है जो अविच्छिन्न रूप से चली आ रही है। आइए जानते हैं हिंदी प्रचार संबंधी उनके योगदान के विविध आयामों के बारे में। सबसे पहले दक्षिण के कुछ हिंदी सेवियों के बारे में चर्चा। निज भाषा, स्वदेश प्रेम और हिंदी सेवा को अपने जीवन का व्रत मानने वाले सुब्रमण्य भारती का जन्म तमिलनाडु के तिरुनेलवेली के एट्टईपुरम गांव में हुआ था।
भारती जब 5 वर्ष के थे तभी उनकी माता का देहांत हो गया। इस दुख ने उन्हें कविता की ओर मोड़ दिया। 11 वर्ष की अल्पायु में ही इनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर रियासत के राजा ने इन्हें भारती की उपाधि से विभूषित किया। वे तमिल दैनिक स्वदेश मित्रन के उपसंपादक तथा इंडिया और साप्ताहिक पत्र बाल भारती के संपादक रहे। सन 1907 में अपने कविता संग्रह स्वदेश गीत के प्रकाशनोपरांत वे राष्ट्रकवि माने जाने लगे। उन्होंने राष्ट्रीय एकता हेतु न केवल हिंदी का प्रचार प्रसार किया अपितु हिंदी में रचनाएं और हिंदी कक्षाएं भी आरंभ की। आंध्र प्रदेश में कृष्णा जिले के दौडपाडू नामक गांव में जन्मे डॉक्टर मोटुरी सत्यनारायण राष्ट्रीय हिंदी आंदोलन के अग्रणी नायक हैं। दक्षिण और उत्तर भारत के मध्य हिंदी के सेतु बने डॉक्टर सत्यनारायण के प्रयासों से न केवल अखिल भारतीय अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के शिक्षण प्रशिक्षण शैक्षिक अनुसंधान और उसके विकास के लिए केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा की स्थापना हुई। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के प्रधानमंत्री केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल आगरा के संस्थापक पुरोधा मद्रास विधान परिषद व राज्यसभा के मनोनीत सदस्य और संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य के रूप में आपने हिंदी की विकास यात्रा को बहुआयामी गति प्रदान की है। कर्नाटक में मैसूर के पास पंड्या जिले के अभिहेब्बाल गांव में जन्मे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रतिभाशाली छात्र रहे और कर्नाटक में हिंदी का साम्राज्य खड़ा करने वाले नागप्पा जी ने मैसूर के महाराजा जयचामराज ओडेयर को हिंदी पढ़ाकर राजमहल के भीतर हिंदी का प्रवेश कराया। मैसूर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर रहे नागप्पा जी ने भारत भर की महत्वपूर्ण हिंदी समितियों के माध्यम से हिंदी की सेवा की। व्यावहारिक हिंदी, अभिनव हिंदी व्याकरण, शिक्षार्थी हिंदी व्याकरण आदि प्रसिद्ध कृतियों के अतिरिक्त बुआ जी नामक उनका मौलिक रेखाचित्र संकलन भी प्रकाशित है जो बेहद चर्चित है। आंध्र प्रदेश में कडप्पा जिले के गोलल गुडूर में जन्मे डॉक्टर रेड्डी ने हिंदी में दर्जनों उपन्यास, कहानियां, बाल साहित्य और तेलुगु वांग्मय संबंधी लेखन किया है। तेलुगु से हिंदी और हिंदी से तेलुगु में आपने लगभग 40 पुस्तकों का अनुवाद किया है। चेन्नई से प्रकाशित लोकप्रिय पत्रिका चंदा मामा व दैनिक पत्र चमकता सितारा के आप संपादक भी रहे हैं। हिंदी के प्रति समर्पित डॉक्टर रेड्डी आंध्र प्रदेश हिंदी अकादमी हैदराबाद और तमिलनाडु हिंदी अकादमी चेन्नई के अध्यक्ष भी रहे। तेलुगु मातृभाषी रमेश चौधरी जी मौलिक हिंदी उपन्यासकार के रूप में प्रख्यात रहे हैं। उन्होंने हिंदी में लगभग 2 दर्जन उपन्यास, 3 नाटक, 2 बाल पुस्तकें, लघु कथाएं और विविध विषयों पर पुस्तकें लिखी हैं। वे अनुवाद और पत्रकारिता से भी जुड़े रहे। तमिलनाडु के पेरियकुलम में जन्मे डॉक्टर एन सुंदरम की मातृभाषा कन्नड़ है। भक्तिकालीन कवित्री मीराबाई पर उनका अवदान उल्लेखनीय है। डॉक्टर सुंदरम ने जहां मौलिक हिंदी लेखन किया है वहीं अनुवाद कार्य में भी योगदान दिया है। हिंदी अध्यापन से जुड़े रहे प्रोफेसर एन सुंदरम सूर सौरभ नामक पत्रिका के संपादक रहे हैं। आंध्र प्रदेश के राजमपेट जिला के कोडलुपल्ली में जन्मे डॉक्टर विजय राघव रेड्डी ने हिंदी शिक्षण, भाषा विज्ञान, लोक साहित्य संबंधी लेखन के साथ साथ तेलुगु से हिंदी और हिंदी से तेलुगु में अनुवाद कार्य किया है। तुलनात्मक अध्ययन को लेकर भी उनका योगदान महत्वपूर्ण है। केंद्रीय हिंदी संस्थान से सेवानिवृत्त हिंदी प्रोफेसर डॉक्टर रेड्डी ने अनेक पुस्तकों का संपादन भी किया है। आंध्र प्रदेश के मेदक में जन्मे डॉक्टर भीमसेन निर्मल उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद में हिंदी विभागाध्यक्ष पद पर रहते हुए हिंदी को निरंतर
प्रचारित प्रसारित करने में लगे रहे। इसके लिए उन्होंने आंध्र प्रदेश में हिंदी प्रचार संबंधी गतिविधियों, अनुवाद और तुलनात्मक अध्ययन को बहुत बढ़ावा दिया। कन्नड़ भाषी श्री बी आर नारायण ने कन्नड़ साहित्य के 17 उपन्यासों, 7 कहानी संग्रहों तथा 9 नाटकों आदि का अनुवाद कर हिंदी को समृद्ध किया है। केरल में कोल्लम जिले के शास्ताम कोट्टा में जन्मे डॉक्टर नायर केरल के प्रेमचंद के रूप में विख्यात हैं। आपने कविता, कहानियाँ, नाटक, निबंध आदि लिखे हैं। आपने पर्याप्त रूप से अनुवाद कार्य भी किया है। 62 पुस्तकों के रचयिता डॉक्टर नायर एक कुशल चित्रकार हैं। आप केरल हिंदी साहित्य अकादमी शोध पत्रिका के संपादक भी हैं। तमिलनाडु में तंजावुर जिले के कारपंकाडू गांव में जन्मे शौरी राजन जी तमिल हिंदी के मानवतावादी एवं राष्ट्रवादी लेखक हैं। कवि, पत्रकार, अनुवादक, संपादक और हिंदी प्रचारक के रूप में शौरी राजन जी ने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। आपने हिंदी प्रचार समाचार, दक्षिण भारत और ज्ञान भूमि पत्रिकाओं के अतिरिक्त हिंदी, तेलुगु, अंग्रेजी कोश आदि का संपादन भी किया है। साथ ही साथ तमिल से हिंदी और हिंदी से तमिल में आपने अनेक रचनाओं का अनुवाद भी किया है। तमिलनाडु के कुंभकोणम में जन्मे विष्णुप्रिया जी ने मौलिक लेखन के अतिरिक्त शब्दकोश निर्माण एवं संपादन का कार्य करते हुए हिंदी प्रचार में अपना अनन्य सहयोग दिया है। विभिन्न विषयों पर इनकी 75 से भी अधिक कृतियां हैं। हिंदी हृदय नामक मासिक पत्रिका का संपादन करते हुए आप हर रोज एक हिंदी कविता लिखकर किसी एक पाठक को भेजते रहे और उनका वार्षिक संकलन भी प्रकाशित करते रहे। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में जन्मे श्री हरिजीत हिंदी में नाटक लिखने के लिए विख्यात हैं। इनके नाटकों का मंचन भी हुआ है। साथ ही साथ इनके कई नाटकों का आकाशवाणी से प्रसारण भी हुआ है। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार प्रसार में लगे हिंदी प्रेमियों की संख्या इतनी अधिक है कि अब इन प्रांतों में हिंदी की परिपक्वता आह्लादित कर जाती है। धन्यवाद डॉक्टर राजलक्ष्मी जी, आपने ये जो ज्ञानवर्धक जानकारी हमें दी उसके लिए हम आपके आभारी हैं और आप सब अब जलपान के लिए आमंत्रित। दक्षिण भारत में हिंदी से भी अनुवाद एवं साहित्य लेखन से हिंदी को समृद्ध करने में लगे रहे। हाँ, ये न केवल विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित हुए हैं बल्कि हिंदी संबंधी उच्च स्तरीय समितियों से जुड़कर दक्षिण भारत में हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान भी देते रहे। बिल्कुल सही कहा आपने, हिंदी के विकास में हिंदी तर भाषा भाषियों का योगदान हिंदी भाषियों से बिल्कुल भी कम नहीं है। क्या दक्षिण भारत में ऐसे विद्वान भी हैं जिन्होंने वहाँ की भाषा सीखकर हिंदी और दक्षिण भाषियों के मध्य सेतु का कार्य किया हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ऐसे एक नहीं अनेक हिंदी सेवी विद्वान रहे हैं जिन्होंने मूलतः दक्षिण भारत का ना होते हुए भी वहाँ की भाषा का ज्ञान अर्जित कर तुलनात्मक अध्ययन का मार्ग प्रशस्त किया। इसकी चर्चा हम कक्ष में करेंगे। चर्चा के इस सत्र में मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रोफेसर परमेश्वरन को। प्रोफेसर परमेश्वरन तुलनात्मक भाषा साहित्य के विशेषज्ञ हैं और कर्मठ हिंदी प्रचारक हैं। धन्यवाद डॉक्टर रेड्डी। जैसा कि जलपान के दौरान आप डॉक्टर रविंद्र कुमार सेठ,
गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में जन्मे डॉक्टर रविंद्र कुमार सेठ ने मध्यकालीन तमिल भक्ति साहित्य का हिंदी में लेखन और अनुवाद करके हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। वे कुमार गुरु प्रौद्योगिक संस्थान कोयम्बतूर के अध्यक्ष के परामर्शदाता तथा साहित्य शोध संस्थान नई दिल्ली के निदेशक रहे। कवियत्री मलयालम अनुवादिका एवं संस्कृत विदुषी डॉक्टर रति सक्सेना ने मलयालम से हिंदी में 10 पुस्तकों का अनुवाद किया है। इनमें कविता और उपन्यास शामिल है। मलयालम की प्रख्यात कवियत्री ना बालामणि अम्मा पर केंद्रीय हिंदी निदेशालय के निदेशक श्री ए चंद्र हासन ने अपने समर्पित प्रयासों से निदेशालय में तमिल मलयालम एवं बांग्ला माध्यम में दूरस्थ शिक्षा यानी पत्राचार के माध्यम से हिंदी शिक्षण की व्यवस्था की जो आज तक जारी है। तमिलनाडु को छोड़कर शेष दक्षिण भारत में हिंदी 6 से 10वीं कक्षा तक तृतीय भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। संपूर्ण दक्षिण भारत में सरकारी सहयोग से चलने वाले निःशुल्क हिंदी विद्यालयों द्वारा विविध पाठ्यक्रमों में छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। तमिलनाडु के कुछ कॉलेजों और केरल कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश के अधिकांश महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में हिंदी अध्ययन अध्यापन की सुविधा उपलब्ध है। यानी हिंदी शिक्षण को लेकर दक्षिण भारतीय जनता में बहुत उत्साह है। बिल्कुल, यहाँ ये उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि दक्षिण भारत में प्राइवेट और पब्लिक स्कूलों द्वारा हिंदी का अध्ययन अध्यापन नर्सरी कक्षा से ही शुरू किया जाता है। सुखद आश्चर्य की बात यह है कि तमिलनाडु में हिंदी स्पीकिंग कोर्स के बोर्ड जहाँ तहाँ लगे नजर आते हैं। बिना प्रमाण पत्र की अपेक्षा रखे वहाँ लोग शुल्क देकर भी हिंदी सीख रहे हैं ताकि वे हिंदी के व्यापक संसार से जुड़ सके। ध्यातव्य है कि दक्षिण भारत की उच्चतर शिक्षा में विशेषकर अभियांत्रिकी तथा प्रबंधन शिक्षार्थियों के लिए हिंदी वार्तालाप का स्वैच्छिक शिक्षण लगभग सभी जगह किया जा रहा है। क्या सरकारी तौर पर कुछ योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? बेशक, हिंदी शिक्षण और शोध के अतिरिक्त सरकारी तौर पर गृह मंत्रालय की हिंदी शिक्षण योजना, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय हिंदी निदेशालय, केंद्रीय हिंदी संस्थान, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, नेशनल बुक ट्रस्ट, साहित्य अकादमी आदि ऐसी अनेक संस्थाएं जिनकी योजनाएं हिंदी तर भाषी विशेषकर दक्षिण भारतीय भाषा भाषी हिंदी विद्यार्थियों शोधार्थियों अध्यापकों प्राध्यापकों लेखकों नव
वे इंडिया और स्वदेश मित्रम जैसी पत्रिकाओं में हिंदी सामग्री भी प्रकाशित करते थे। पूरी तरह से हिंदी प्रचार हेतु प्रकाशित दक्षिण की प्रथम पत्रिका हिंदी प्रचारक है। सन 1937 में इसके बंद होने पर दक्षिण भारत पत्रिका शुरू हुई। दैनिक पल्लव टाइम्स, चमकता सितारा, चंदा मामा, शबरी शिक्षा समाचार, हिंदी प्रचार समाचार, साहित्य आदित्य, सूर सौरभ, अग्रधारा, ज्ञानमुनि, हिंदी हृदय आदि हिंदी पत्र पत्रिकाओं ने तमिलनाडु में हिंदी की अलग जगह रखी। पत्रकारिता की बात अगर कहें तो पत्रकारिता इतनी अधिक यहाँ हिंदी में नहीं है दक्षिण भारत भाषाओं में, लेकिन छोटी छोटी पत्रिकाएँ बहुत हैं। जैसे हैदराबाद से दैनिक पत्रिकाएँ ही निकलती हैं दो तीन, उनमें से वार्ता बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से हर भाषा के प्रांत में हिंदी में निकलने वाली पत्रिकाएँ, साहित्यिक पत्रिकाएँ अधिकांश रूप से तो बहुत अधिक निकल रही हैं, तो उनमें भी कुछ अनुवाद छपते हैं या कुछ मौलिक रचनाएँ छपती हैं, तो इस कारण से हिंदी में जिनकी गति है तो वो लोग अपनी आलोचनात्मक प्रतिभा का भी प्रदर्शन करने का मौका इन लोगों को मिलता है। और एक हिंदी जैसी बड़ी भाषा से जुड़ करके ये लोग अपने जो वैचारिक जो दृष्टि है उसको बहुत अधिक विस्तार दिया है और अधिक विशाल साहित्य के साथ वो परिचित हो गए हैं, क्योंकि हिंदी में भारतीय साहित्य की बहुत सी रचनाएं, श्रेष्ठ रचनाएं हमको मिलती हैं। और हिंदी में जितनी रचनाएं इस प्रकार से देश विदेश के साहित्य की रचनाएँ मिलती हैं उतनी और किसी भाषा में नहीं मिलती हैं। इसलिए हिंदी से जुड़ करके ये जितने भी लोग हैं, हिंदी में काम करने वाले लोग हैं, वो बहुत अधिक संपन्न हुए हैं, इसमें इस कोई शक संदेह नहीं है। हम लोग बहुत प्रसन्न हैं कि हम लोग हिंदी से जुड़े हैं और हिंदी के द्वारा जो है अपने वैचारिक क्षमता को, प्रतिभा को इस प्रकार से विस्तार दिया है। समय समय पर केरल से प्रकाशित होने वाली पत्रिकाओं में ललकार, हिंदी मित्र, विश्व भारती, ग्रंथालोक, साहित्य मंडल, राष्ट्रवाणी, युग प्रभात, केरल हिंदी अकादमी शोध पत्रिका, केरल भारती, संग्रथन, केरल ज्योति आदि उल्लेखनीय है। ध्यातव्य है कि युग प्रभात एक सफल व्यावसायिक पत्रिका के रूप में लगभग 17 वर्षों तक प्रकाशित होती रही। कर्नाटक से प्रकाशित होने वाली प्रमुख पत्रिकाओं में मैसूर हिंदी प्रचार परिषद पत्रिका, भारतवाणी, भाषा स्पंदन, भाषा पीयूष, बसव मार्ग, हिंदी प्रचार वाणी आदि प्रमुख हैं। आंध्र प्रदेश में आर्यभानु और साप्ताहिक पत्रिका के उपरांत संगम, दक्षिण भारती और कल्पना, अजंता जैसी पत्रिकाओं ने हिंदी को समृद्ध किया। दैनिक पत्रों में मिलाप, दैनिक विश्ववाणी, शिक्षक तथा इंसान जैसी पत्रिकाओं के अतिरिक्त पूर्ण कुंभ, श्रावंती, युगमानस, विवरण मासिक पत्रिका, अग्रतारा, मिलिंद, सार संसार, गोलकोंडा दर्पण आदि अनेक पत्रिकाओं ने हिंदी के बहुमुखी विकास में योगदान दिया। पूर्व में आपने जिन हिंदी सेवियों के बारे में बताया उनमें से बहुत से ऐसे रहे जिन्होंने अनुवाद कार्य भी किया है, इस कार्य से क्या क्या लाभ हुआ है? इस अनुवाद कार्य से कई तरह के लाभ हुए, जैसे परस्पर सौहार्द, भावनात्मक एकता, साहित्य एवं संस्कृति के ज्ञान में वृद्धि आदि आदि। भाषा विशेष के गौरव ग्रंथों तथा भक्ति साहित्य से चली अनुवाद की ये परंपरा आधुनिक काल में साहित्य अनुवाद और तुलनात्मक अध्ययन के रूप में विकसित हुई। देखा जाए तो जितने साहित्यकार हैं, इन लोगों को उनमें से मुख्य रूप से डॉक्टर एन चंद्रशेखर नायर, डॉक्टर एन ई विश्वनाथ अय्यर और लक्ष्मीकुट्टी अम्मा, तंकमणि अम्मा, और साथ ही साथ एम अच्युतन के बाद डॉक्टर जी गोपीनाथन और के सुरेंद्र ने जो आरसीयू नाम से प्रसिद्ध हैं, इन लोगों ने काफ़ी अनुवाद किया है।
और मैं ये विश्वास करता हूँ कि जो इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिनमें कि आपस में आदान प्रदान ही नहीं, हम लोगों को जाने और उनकी जानकारी जनता तक पहुँचाएँ, ये कार्यक्रम निश्चित रूप से जनता में जागरूकता पैदा करेगा। और मैं अंत में कहना चाहता हूँ, मनु का ये पुत्र निराश नहीं, नवधर्म प्रदीप अवश्य। अनुवाद के क्षेत्र में प्रोत्साहन स्वरूप विभिन्न पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। अनुवाद कार्य न केवल साहित्य और संस्कृति को समझने का अवसर देता रहा है, अपितु विविध भाषाओं के व्याकरण का तुलनात्मक स्वरूप भी हमारे समक्ष प्रस्तुत करता रहा है। आपने सही कहा, आज हम दक्षिण भारत के गौरव ग्रंथों और साहित्यकारों के बारे में जितना जानते हैं, उसका श्रेय अनुवाद को ही तो जाता है। डॉक्टर साहब, दक्षिण भारत में तो हिंदी फिल्मों और गानों के मीडिया आदि माध्यमों ने दक्षिण भारतीयों को निरंतर आकृष्ट किया। वहां हिंदी फिल्मों के प्रदर्शन की बहुत मांग रहती, हिंदी गानों की लोकप्रियता के तो कहने ही क्या। दूरदर्शन के अनेक धारावाहिकों और रेडियो के अनेक कार्यक्रमों में उनकी रुचि देखते ही बनती। दक्षिण भारतीय हिंदी प्रेमी ईमेल और एसएमएस में हिंदी का भी प्रयोग करते हैं। मोबाइल, आईपैड, ऑटो रिक्शा, कार, जीप, रेस्टोरेंट्स आदि में हिंदी गानों का बजना उनका हिंदी के प्रति अनन्य प्रेम ही तो है। बिल्कुल। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात यहीं समाप्त